हेलो फ्रेंड, नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि डेंगू बुखार क्या होता है, ये किस कारण से होता है और ये क्यों होता है और फैलता कैसे है, और अगर ये हो गया है तो हम इसको जल्दी रिकवरी कैसे करें और पता कैसे करें कि हमको DSS है या DHF है या सामान्य डेंगू बुखार है, इसके लक्षणों से हम कैसे पता करेंगे। तो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं कि डेंगू बुखार एक आम संचारी रोग है जो कि मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसमें तीव्र बुखार, अत्यधिक सिर दर्द आना ऐसी समस्या होती है जो काफ़ी समय तक महामारी के रूप में देखा जाता है इसको। और ये एडीज नाम का मच्छर होता है उसके काटने से होता है। एडीज मच्छर कहीं पर पानी कई दिनों से जमा है तो उसमें पाए जाते हैं, इसलिए डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तो साफ़ सफाई करके इसको फैलने से कम किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि डेंगू बुखार होता कितने टाइप का। तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्लासिकल, मतलब डेंगू बुखार होता है जी, और दूसरा होता है DHF मतलब डेंगू हेमरेज बुखार, तीसरा होता है DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये तीनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। हम पता कैसे करेंगे अगर क्लासिकल फीवर है तो, मतलब साधारण डेंगू है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं से ठीक हो जाता है। साधारण डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? ठंड लगने के साथ साथ अचानक तेज़ बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियां तथा जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पिछले हिस्से में भी दर्द होता है, अत्यधिक कमजोरी लगता है, भूख नहीं लगती अच्छे से और स्वाद चला गया है खाने का, और गले में हल्का सा दर्द होना। तो ये सब क्लासिकल डेंगू के लक्षण हैं। अब हम जान लेते हैं कि DHF के क्या लक्षण है। तो अगर आपको डेंगू हेमरेजिक बुखार है तो उसमें आपको सामान्य बुखार के लक्षण के साथ साथ अगर नाक से मसूड़ों से खून आना, शौच या उल्टी के साथ खून आना, त्वचा पे गहरे नीले काले रंग के छोटे छोटे बड़े चिकत्ते पड़ जाते हैं, तो इसलिए आप समझ जाना कि हाँ आपको DHF डेंगू हो गया है। तो आगे हम जान लेते हैं कि DSS के मतलब डेंगू शॉक सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं। तो आपको अगर DHF और क्लासिकल फीवर के साथ साथ आपको रोगी अगर अत्यधिक बेचैन लग रहा है, तेज़ बुखार के बावजूद भी अगर उसकी शरीर एकदम ठंडी है, त्वचा एकदम ठंडा महसूस हो रहा है और रोगी धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है, ये लक्षण DSS के हैं। अगर आपको DHF और DSS के ऐसे लक्षण दिखते हैं तो बहुत ही खतरनाक है, तो कृपया डॉक्टर के पास जाएँ, उसका ट्रीटमेंट करवाएँ, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता है। अगर डेंगू हो गया है तो उसको हम रिकवर कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में। तो हम जान लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में गेहूं का दलिया, एक ग्लास दूध और कॉर्नफ्लेक्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी तरीके से करें तो जल्दी रिकवरी होगा। और लंच में आपको न ज़्यादा हल्का न ज़्यादा भारी लंच का सेवन करना है, आपको खिचड़ी और मैश किया हुआ आलू आप लंच में ले सकते हैं। डिनर में पेशेंट को दाल और पालक कढ़ी के साथ चपाती, हरी सब्जी जैसे लौकी, तुरई, शिमला मिर्च, भिंडी ये सब भी होना चाहिए। आप अगर समय समय पे कुछ अच्छी चीज़ों का सेवन करते रहें तो आप जल्दी हेल्दी महसूस करेंगे और जल्दी रिकवरी हो जाएगा। आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।